शिवपुरी के हर वार्ड में कुछ अनजान महिलाएं घूम रही है जो किसी भी मर्ज की दवाई देने के बहाने महिलाओं का विश्वास जीतकर उनके पैसे सोने चांदी के आभूषण लेकर भाग जाती है। ये महिलाएं कई घरों को अपना निशाना बना चुकी है। ऐसा ही एक मामला पुरानी शिवपुरी क्षेत्र से आया है जिसमें अनजान महिला उनसे 5,000 रुपए लेकर भाग गई। ऐसा ही एक मामला पुरानी शिवपुरी महल सराय कॉलोनी में हुआ, वहां भी 7,000 एक गरीब घर से लेकर भाग गई। SW न्यूज आप सभी से अपील करता है कि सभी शहरवासी होशियार रहें। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। आज जो आपके घर पर ठगी हुई है किसको लेके हुई है? जी, दो औरतें आई थी, किस लिए आई थी? वो मुझे थोड़ी दवाई चाहिए थी। अच्छा। जड़ी बूटियों वाली। अच्छा। पर वो दवाई देने के चक्कर में हम लोगों को थोड़ा घुमरा बनाया मैंने। हाँ, वो करा हुआ था तो उसी वाले मुझसे पैसे ले रहे थे। कितने पैसे ले रहे हैं आपसे? कम से कम 5,000, 5,500 रुपए। अच्छा, तो आपको कैसे पता चला कि वो उनने पैसे ले लिए आपसे? पैसे ले लिए, थोड़ा मुझे कंफ्यूज हुआ था। मैंने तो वीडियो बनवाई मैं लड़की से, मैं वीडियो बना लूँ कि नहीं हम कल विश्वास पे भरोसे पे कल जरूर आएंगे, पर वो आई नहीं। कितने मतलब कब आई थी आपके पास? कल आई थी, परसों आई थी, कब आई? 3-4 दिन है। अच्छा, तो आपको 4 दिन इंतजार करते हुए नहीं आई? जुमरात को आई थी वो, तो जुमरात को भी हो गई, हो जुमे को भी हो गई, बस शनिवार को नहीं आई। अच्छा, शनिवार की क्या आई थी? 4 दिन हो गया। हाँ, 2 दिन आई था, मैं थोड़ा भरोसा आता हुआ। अच्छा, दूसरे तीसरे दिन नहीं आई। तो आप यहाँ पर रहती हो? किराए से मकान? किराए से रहती हूँ। अच्छा, ये आपके घर में जो घटना हुई है, कोक्स वगैरह का है क्या कुछ? दो लेडीज़ें आई थी दवाई बेचने के लिए, उनने हमारी माता जी से बोला कि आपका दर्द का तेल ले लो, बाल बढ़ने के तेल ले लो, तो हमारी माँ को तकलीफ रहती थी। कितना समय था? तो उनने दर्द का तेल लिया, 250 रुपये दिए उनको, फिर एक दिन वो तेल लेकर चली गई। दिन आई, दूसरे दिन उनने पूछा गया आपको तेल से आराम मिला या नहीं मिला, तो उनने बताया कि पहले से कुछ आराम है या नहीं, जो बताया हो। फिर उसके बाद में उनने कहा आप बैठ जाओ, हम झाड़ देते हैं आपको, तो दर्द तुम्हारा बंद हो जाएगा, जड़ से चला जाएगा, और आप तेल की मालिश करते रहना। तो उनने कहा ठीक है, वो बैठ गई। उनने अपनी कोई थैले में से जड़ी बूटी निकाली और उनके सरमर पे हाथ पैरों में लगा के झाड़ा गोभी करी उनने अपने स्तर पे। इसके बाद में उनके कान में टोक थे हमारी माता जी के, तो उनने बोला कि टोक उतार लो आप और सफ़ेद कपड़े में बांध के ले आओ, इनको लपेट दें तो हम इनको पढ़ देते हैं, आप बक्से में रख लेना और कल धो के पहन लेना, तो बिल्कुल दर्द बंद हो जाएगा आपका। उनने कहा ठीक है, हमारी अम्मी गई घर में, उनने तो कपड़े में लपेटे बाहर लेके आई, उनको दे दिए, उनने भी हम पढ़ रहे हैं, तब तक आप जाओ खाना ले आओ, हमको भूख लग रही है। तो वो खाना लेने के लिए गई, खाना लेकर के लौट के आई, तब तक देखा तो वो दोनों फरार हो चुके। कितने का टॉक था, कितनी कीमत थी? टॉक की कीमत करीबन 30-35 हज़ार रुपये जी, हमारे पास पर्चा भी रखा है। उसके बाद आपने उनको ढूंढा नहीं? हमने ढूंढा। आज जो वीडियो वायरल हुई, आपने जो उनको पहचाना के बहुत यही महिलाएं थी? आज जो वीडियो वायरल हुई है जिसमें जो दो महिलाएं दिख रही हैं, वो दो ही महिलाएं हैं और उनके साथ में एक महिला और थी। वो वीडियो देख के ही आप पहचान गए? हां, मैं वीडियो देख के घर वालों को मैंने दिखाया, मैंने कि यही लोग थे जो उनने हमारी अम्मी ने बताया। नजदीकी थाने में आपने कंप्लेंट नहीं की? नजदीकी थाने में मैंने कंप्लेंट नहीं करी, आसपास में मैंने संपर्क करा था, लोगों ने बताया कि ये बम्बई की हैं, महाराष्ट्र की हैं, तो मैंने इसलिए नहीं करी। मैंने कि प्रशासन कहाँ परेशान होगा बम्बई जाकर ढूंढने, तो मैंने इसलिए कंप्लेंट नहीं करी। अब वीडियो वायरल हो गई तो प्रशासन से गुहार है कि वो हमारी मदद करे। ओके। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।